हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम एक बढ़िया सा टिप्स लेकर आए हैं। ये आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 है मोबाइल, और इस मोबाइल में हम एक दिखाऊंगा स्क्रीन पिनिंग करने का एक ऑप्शन है, नया ऑप्शन। शायद दूसरा फ़ोन में भी होगा, अब नया जो वर्जन वाला फ़ोन निकला है फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला। तो ये ऐसा होता है कि जब हम ओवरव्यू स्क्रीन इधर में टच करते हैं तो इधर में एक आइकन आता है पिनिंग स्क्रीन वाला, इधर में एक आइकन आता है। तो इसको हम सेट करने से क्या होता है कि हम लोग जब बच्चे को मोबाइल देते हैं तो वो एक ऐप में चलाते चलाते दूसरा ऐप में भी चला जाता है, सब ऐप्स में जाते हैं, गैलरी में जाते हैं, तो सब चलाते हैं। तो हम जो नहीं चाहते कि वो सब ऐप्स ना चलाए, एक ही ऐप्स चलाए, तो इसके लिए हमको नया एक टिप्स मिला है। तो इसको ऑन करने के लिए हम पहले जाएंगे हमारा सिस्टम का सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के लिए हम इधर में टैप करेगा, तो इसके बाद जाना है हमारा ये लोकेशन एंड सिक्योरिटी जो लॉक्स है इसके अंदर हम जाएगा। तो नीचे में स्क्रॉल करने से हमको मिलता है ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये स्क्रीन पिनिंग, ये ऑफ है, हम अभी ऑन कर देगा। ये जैसे ही ऑन कर देगा, ऑफ ऑन इधर में कैसे यूज़ करते हैं सब ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं, चलते हैं, फिर यहाँ में टच करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। पहले हम ऐसे कीबोर्ड ये कैलकुलेटर ऑन कर देते हैं। ये कैलकुलेटर ऑन करने का बाद हम बीच में टच कर देगा होम बटन में, तो सब बीच में आ जाएगा। तो हम ओवरव्यू बटन ये है बॉक्स वाला स्क्वायर वाला, इसमें टच करेगा तो ये पिनिंग ऑप्शन आ गया है, ये देख सकते हैं पिनिंग ऑप्शन। इसको हम अभी टच करेगा तो ऐसे गोटेड स्क्रीन स्पिनेड ऐसा कुछ आएगा, और दो साइड वाला जो दिखाई दे रहा है इन दोनों साइड में टच करने से ये अनलॉक होता है। तो गोटेड में हम टच कर देगा फिर ये अनपिन हो गया। ऊपर का वाला कोई भी निशान नहीं आ रहा है, ऊपर में टावर का आइकॉन नोटिफिकेशन कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी हम सिर्फ इस ऐप में हम काम कर सकते हैं, दूसरे ऐप में हमको जाने के लिए ये दोनों में ये कॉर्नर में दो साइड वाला दोनों बटन में टच करके रखना है, हमारा ये वाला बटन और ये साइड वाला स्क्वायर, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर वाला बटन को टच करके रखना है तो ये अनपिन हो जाता है। लेकिन ये नया फीचर है, सबको नहीं पता होगा शायद। तो बच्चे को ये मोबाइल देने से, ये ऑन करके देने से सिर्फ ये जो भी ऐप्स को लगा के रखेगा वही ऐप में ये काम करेगा। एक अच्छा फ्यूचर दिया है, शायद Redmi Note 5 Pro ऐसा फुल डिस्प्ले वाला मोबाइल में भी होगा शायद ये ऑप्शन। तो ये टिप्स शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।